आज हम बनाने जा रहे हैं चना जोर गरम। आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं और कई दिन तक बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और बहुत ही अच्छा स्नैक है। आप चाय के साथ शाम को इसको खा सकते हैं। फटाफट से बनके तैयार होने वाला स्नैक है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया था 1 कप काला चना लिया था। ये बड़े वाले चने हैं, 2 साइज़ के चने आते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ के चने लिए थे जिसको मैंने रात भर भिगो के रख लिया था। अब पानी इसका मैंने ड्रेन कर दिया है। तो यहाँ प्रेशर कुकर में ये चने मैं सारे डाल दूंगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो पानी हमें इतना डालना है यहाँ पर कि चने जो हैं पूरी तरीके से भीग जाएँ। तो इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमें इसमें मसाले भी मिक्स करने हैं। और यहाँ मैंने गैस पे चढ़ा लिया है कुकर को, और इसमें 2 सीटी लगा लेंगे हाई फ्लेम पे। 2 सीटी लग गई है, गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो अब प्रेशर निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर देखिए छन्नी में सारे चने जो हैं वो छान लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ठंडा कर लूँ पहले, सारे चने को यहाँ पे ठंडा कर लेना। और ये देखिए यहाँ पे चने जो हैं वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ मैं एक बाउल में इसको निकाल ले रही हूँ, चने जो हैं ठंडे हो चुके हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें चनों को दबाना है। तो देखिए मैं किस तरीके से दबा रही हूँ, 2 तरीके से बताऊँगी। इस तरीके से आप दबा सकते हैं, तो हल्का सा आपको यहाँ पे प्रेस करना है और इस तरीके से सारे चने दबा लें। और या तो एक तरीका एक और है, आप यहाँ पे थोड़े से चने रख लें। ये देखिए मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़े से चने रख लें इस तरीके से, थोड़ा सा दूर दूर पे रखें। ये देखिए इस तरीके से फैला लें। और एक कटोरी ले सकते हैं आप जिसका तला थोड़ा सा भारी हो, और इस तरीके से दबा लें। तो ये देखिए तब ये काम जो है आपका जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो चने हैं हमें दबा लेने हैं। तो सारे चने दबा के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे चने दबा के तैयार कर लिए हैं, और इनको धूप में सुखाना है। तो ये मैंने इनको एक दिन पूरा धूप में सुखाया है अच्छे से, और ये देखिए एकदम क्रंची हो चुके हैं, बहुत बढ़िया से टूट रहे हैं। तो आपको सुखाना है इसको एक दिन धूप में, चाहे तो आप इसको पंखे के नीचे रख के भी सुखा सकते हैं। अब इनको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने गरम कर लिया है, तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें तेल को गरम करना है। और यहाँ पे अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। तो इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है। आप बीच में छू के भी देख सकते हैं कि चने जो हैं वो क्रंची हो रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से हिला हिला के फ्राई कर लें। तो यहाँ देखिए चने जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ बाउल में, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं सारे चने को जो है फ्राई कर लूँगी। तो बाउल में मैंने निकाल लिया है। तो सारे चने जो हैं मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। बहुत देर ज़्यादा इनको हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये इनका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपको मुश्किल से 1 मिनट ही इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे मत करिएगा, नहीं तो ये डालते ही जो है जल जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे जो हैं चने फ्राई कर लिए हैं। मिलाते हैं कुछ मसाले। तो 1/4 चम्मच यहाँ मिला रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ मिला रही हूँ मैं काला नमक मिला रही हूँ यहाँ पे 1/4 चम्मच, और इसी के साथ नॉर्मल नमक भी मिला रही हूँ 1/4 चम्मच। यहाँ मिला रही हूँ मैं 1/4 चम्मच मिलाया मैंने यहाँ पे चाट मसाला, 1/4 चम्मच मिला रही हूँ आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच है यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर, और यहाँ मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी हींग। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको जो है मसालों को मिला लें। और यहाँ पे जो है चना जोर गरम बनके तैयार है। देखिए कितना इजी है इसको बनाना, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रंची फ्राई हुआ है यहाँ पे, और फटाफट से टूट जा रहा है बीच में से, ये देखिए। तो आप भी इससे बना सकते हैं, और सफ़र पे आप कहीं जा रहे हैं तो इसको खूब सारा बना लें, ख़राब भी नहीं होता है ये।
तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में को ज़रूर लिख के बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।